बैक टू आरडीएक्स मोटर ब्लॉग्स। आज मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ तुम लोगों को कि 1000 लाइट कैसे फिट करते हैं, जो बाहर से नहीं मंगवाया है, मैं खुद ने उसको वायरिंग करके बनाया है। जरूर इस वीडियो को पूरा देखना और लाइक शेयर जरूर करना, भूलिएगा मत। आरडीएक्स मोटर ब्लॉग्स, आज मैं दिखाने वाला हूँ तुम लोगों को पल्सर 150 का ये 1000 लाइट कैसे बनाते हैं। देखो ब्लिंक कर रहे हैं दोनों लाइट्स इंडिकेटर्स। कुछ ये रहा वायरिंग का मेथड, थोड़ा सा वायर में यहाँ से लेके, और ये कुछ मिलेगा तुम लोगों को 10 या 20 रुपीज़ में अंदाजे से। और ये रहा मेरा पल्सर 150, देख सकते हो दोनों इंडिकेटर्स ब्लिंक करते हुए। और मैं इसका मेथड मैं तुम लोगों को बता दूंगा कैसे कैसे इसका वायरिंग करने का है। सॉरी गाइस, पर ये डिस्टर्बेंस बहुत है और हवा बहुत चल रही है, देख सकते हो कितना क्लाउडी क्लाउडी हो गया है। ये रहा पल्सर 150, वो भी न्यू मॉडल ट्विन डिस्क का ही है। और देख सकते हो यहाँ पर ऑफ ऑन स्विच है। और इसका मेथड भी तुम लोगों को बोल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, पूरा इसका वायरिंग ये सब कहाँ मिलेंगे वो सब मैं तुम लोगों को एड्रेस कर दूंगा। उनको फिर से निकाल के वायरिंग निकाल के दिखाता हूँ इसमें। रुको एक मिनट, पहले निकालते हैं। इसमें जो ग्रीन कलर का वायर दिख रहा है, तुम लोगों को दिख रहा होगा ग्रीन कलर का है, थोड़ा जूम है, ग्रीन कलर का है, ग्रीन यहाँ पर है, ग्रीन कलर का वायर, ये ग्रीन कलर का। इसमें थोड़ा सा वायर ये है ना, ऐसे थोड़ा छिल के इसके अंदर जो ग्रीन कलर का साइड में दिख रहा है उसमें ऐसे घुसर के थोड़ा इसको ज़रा केयरफुली करना चाहिए। और जो ये है हेलो, ये ऐसे इसमें स्विच स्विच कर देना चाहिए, बस उसको लॉक कर देना चाहिए। और बस इसमें भी वही सेम मेथड यूज़ किया मैंने। हाँ, ये ग्रीन, इसमें ग्रीन नहीं रहेगा, इसमें थोड़ा ये ब्राउनिश कलर का, थोड़ा वाइट वाइट जैसा दिख रहा है ना, सीमेंट का जैसे कलर का, उसमें स्विच करना है ये बोले तो वायर इसमें इंसर्ट करने का। और सेम मेथड भी इसमें इस ये वायर में भी लगा देने का, बस ये दिख रहा है ना ये वाला कलर। और बस ये जो एक्स्ट्रा वायर ये इसको कट कर देने का बस, क्योंकि कहाँ तो भी अर्थिंग विर्थिंग लगा जाए तो पूरा वायरिंग जल सकता है, उसलिए ये वायरिंग ये दोनों भी दो भी एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा है ना इसको कट कर देना। बस यही वायर इसको अच्छे से वायरिंग करते हुए इसके अंदर से निकाल के, यहाँ से निकाल के ये रहा ऑन ऑफ स्विच। इसको ऑन ऑफ कैसे करते हुए ये भी मैं तुम लोगों को बताता हूँ। पहले की ऑन कर लो और उसके बाद ये स्विच ऑफ है ना, तो पहले राइट साइड का इंडिकेटर पहले देखो ब्लिंक कर रहा है। पहले राइट साइड का इंडिकेटर ऑन करने के बाद यहाँ पर स्विच, यहाँ ये स्विच के पास ऑन करने का। और यहाँ पर देखो पीछे दोनों भी इंडिकेटर्स ऑन हो चुके हैं, वो की ऑन करने का। और 1000 लाइट चाहिए तो इसको पहले यहाँ पर लेफ़्ट साइड का इंडिकेटर ऑन कर लेंगे। ऑन करने के बाद ये 1000 लाइट स्विच ऑन, और इसका देखो दोनों भी लाइट ब्लिंक करते हुए, पीछे के दो और आगे के दो लाइट्स। बस सिंपल सी बात है, ज़रा वायरिंग केयरफुल से कर लेना चाहिए, क्योंकि कहाँ तो भी थोड़ा सा भी कट रहे तो वो अर्थ होके वायर जलने का प्रॉब्लम रहता है। और गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। का कोई बड़ा तरीका नहीं, बस ऑफ कर दो, उस तरह का ऑन किया थे ना वही इंडिकेटर। हेलो गाइस, हाउ टू मेक 1000 लाइट टू पल्सर 150।